Hello dear students, welcome back once again. As you know, we have done with the midterm examination. So the chapters we have covered earlier will not come further. Okay, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, the keyboard. Dear children, tell me one thing, how do you write in your notebook? आप अपने नोटबुक में कैसे लिखते हो? By using a pen or a pencil, right? Likewise, we need a keyboard to write characters, words, sentences on a computer. हमें कंप्यूटर में लिखने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है? कीबोर्ड की. देखो, you can see various keys are there. आपको यहाँ बहुत सारी कीज दिखाई दे रही हैं. इन कीज को यूज करके हम कंप्यूटर में वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सेंटेंसेस एंटर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. फर्स्ट वन इज अल्फाबेट कीज, सेकंड वन नंबर कीज, एंड थर्ड वन स्पेशल कीज. फर्स्ट वन इज अल्फाबेट कीज. डू यू नो व्हाट आर अल्फाबेट्स? You have read this in earlier classes. Alphabets पता है सभी को? A, B, C, D. These all are alphabets. Okay? Alphabet keys are used to type words and sentences. आपको word लिखना हो, कोई sentence लिखना हो, आप किससे लिखोगे? Alphabet keys से. Okay? They are 26 in numbers. जैसे आप A to Z को count करोगे तो 26 होते हैं वो. Similarly, ये keys भी 26 हैं. Okay? बट दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर. जैसे ए टू जेड में ए बी सी डी सीरीज में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कीबोर्ड में एक ही ऑर्डर में नहीं मिलेंगे. ए एस डी एफ क्यू डब्ल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये सीरीज में नहीं है, ये एक ऑर्डर में नहीं है. ओके, सपोज आई वॉन्ट टू राइट माई नेम हिमानी. मुझे लिखना है हिमानी. फर्स्टली आई विल प्रेस एच, then I, then M, then A, then N, and then I. Okay, I can write my name with the help of alphabet keys. The next one is number keys. Number keys are used to type numbers. Suppose if you want to write your roll number, your house number, your phone number, you can write it with the help of number keys. They are marked with 0 to 9. देखो, आपको 0 से 9 तक आपको numbers मिलेंगे यहाँ. They are given in order. ये आपको order में मिलेंगे, randomly placed नहीं है like alphabet keys. Now students, I want to tell you the term cursor. Cursor क्या होता है? Cursor is the blinking line that shows where you can start typing your text. Cursor क्या है? Cursor एक blinking line है जो बार बार blink होती रहती है, और उससे हमें ये पता चलता है कि हम अपना text कहाँ से लिखना स्टार्ट करें. नाउ स्पेशल कीज, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम स्पेशल कीज विच आर कॉमनली यूज. जो बहुत ज्यादा यूज होती है स्पेशल कीज में, उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्ट वन इज स्पेस बार की. स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. स्पेस बार की जो होती है कीबोर्ड पे सबसे बड़ी की होती है. ओके, इट इज यूज टू एड ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स. देखो, टू वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहाँ, रिया एंड भाटिया. आई वॉन्ट टू एड अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. इन दोनों वर्ड्स के बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए. देखो, रिया लिखने के बाद मैं स्पेस बार की प्रेस करूंगी तो ये मेरा सेपरेट हो जाएगा, एक स्पेस आ जाएगी उसके बीच में. द नेक्स्ट स्पेशल की इज एंटर की. वॉट इज द यूज ऑफ एंटर की? एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. एंटर की क्या करती है? कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करवाती है. अभी देखो, हमारा कर्सर है यहाँ. इफ आई प्रेस एंटर की, द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, देयर आर टू एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड. एक कीबोर्ड पे आपको टू एंटर कीज मिलेंगी. ओके, द लास्ट वन इज कैप्स लॉक की. इट इज लोकेटेड हियर, यहाँ पे दिखाई दे रही है सभी को. दिस इज कॉल्ड कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल्स. जब भी हमें कोई भी लेटर कैपिटल में टाइप करना हो, हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे. इफ यू विल प्रेस द कैप्स लॉक की वंस,
आप कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करोगे, दिस कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन, ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी, ग्रीन लाइट आ जाएगी, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैप्स लॉक की अब ऑन है। After turning on the caps lock key, if you will write the text, your text will come like this. देखो अभी यहाँ सारा कैपिटल में आ रहा है ना, हमने caps lock key को ऑन करके टेक्स्ट टाइप किया तो हमारा टेक्स्ट सब कैपिटल लेटर्स में आएगा। So students, this is all about your chapter number 5, the keyboard. I hope you have enjoyed a lot because you have learned so many interesting functions of the keys. Okay, now do practice of it. Okay, take care. Bye-bye.